नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार पूर्व पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य छपार थाने में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पुरकाजी मांगेराम त्यागी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए मुकदमे पर संगठन स्तर पर विचार विमर्श रहा। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत ही आक्रोशित स्वर में अपने आवाज की बुलंद कर सरकार द्वारा आंदोलन से डर कर उल्टे सीधे कृत्य और संगठन व किसानों पर अनगल झूठे मुकदमे दागने का आरोप लगाया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ता और किसान टरने वाले नहीं हैं। संबंध क्या तो भाई, एक वही कहावत है कि जब गद्दड़ के दिन ओले आवे वो गांव सामे भाग गए नु कह लो, चाहे कहावत कह रहे बट गया जी कि माया त्यागना सहज और सहज त्यागना त्रियम हो और मान बड़ाई से त्यागने दुर्लभ हो। चक्कर न मान बढ़ाई का भी है, किसानों के प्रति ईर्ष्या उन्होंने पाड़ ली, सब इसका परिणाम है। यू हमें डर है कल का, हमें डर यो है कि चलो हम तो पदाधिकारी हैं, एक जिम्मेदारी है हमारे पास, तो हम तो शांति कर भी लेंगे। ठीक है साहब, हमारे पास तो बड़ा कमान कस कर रखे हैं। हमें कल का डर ये है कि किसानों को शायद इतनी बदतमीजी करना, कल ये किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान क्या करेगा इनके हालात, तो हमें डर ये भी है कि स्थिति वापस संभालनी। गाजीपुर बॉर्डर पर छेड़छाड़, किसी भाजपा के नेता का स्वागत वो धरने के आसपास ही हो गया। दूसरी बात, छपार टोल पे ही प्रचार हो रहा भाजपा का, और अपने प्रचार करने कहीं और करो, अपनी मीटिंग करो उसमें प्रचार करो, प्रचार बधेरा हो लिया। और प्रचार इस्तेबत्ती क्या करेंगे, चुनाव में नंगा नाच या पूरे उत्तर प्रदेश में, सब जनता कह रही इस बात को। आंदोलन को लास्ट में घसीटते 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 जाटों पर ले गए कि तो जाटों का आंदोलन है, इन्होंने सब बिरादरी खत्म, किसान बिरादरी खत्म करके जाटों पर आंदोलन को ले गए। ये तो क्या की धाम अंग्राम कल, ये चलो जाटों को किसानों को अपना वोटर नहीं मानते होंगे, ये तो क्या की दाबले उन्होंने परसों, क्या की जी तो इनके वोटर हैं, किसान भी इनके वोटर हैं। जब खेत खूब बाढ़ खाल लगेगी तो फिर क्या रह जाएगा बताओ। छपार टोल पर क्या मामला हुआ है? मामला है जो इनके प्रचार हैं, जो इनका प्रचार का माध्यम है वो टोल, इनके धरना स्थल हैं किसानों के, और वहाँ अपना प्रचार करने दे। देखो सत्ता के खिलाफ कोई धरना चला हुआ है उसके आसपास लाउड स्पीकर बजा के आप लोग उस पर बैनर फोटो फ्लैक्स लगा के सरकार के नेताओं के और धरने पर वहाँ रखोगे तो कुछ ना कुछ तो कहा सुनी होगी। तो मांगेराम ने क्या कहा उन्हें, मांगेराम ने तो कहा ना भाई ऐसा क्यों कर रहे थे, अपना प्रचार कहीं और कर लो। तो बैठक में कल किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? बैठक में मैंने खुलेआम अभी भी कह दी, एक सार्वजनिक कर दी एक बात, मारा मुद्दा ये नहीं है कि मांगेराम त्यागी पर मुकदमा लग गया, मारा मुद्दा यह है कि हौसले कितने बुलंद हो गए सरकार के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हौसले कितने बुलंद हो गए कि वे धरना जो किसान दे रहे शांतिपूर्वक वहाँ भी छेड़छाड़ करेंगे, अपने प्रचार वाहन वहाँ को गुजारेंगे, वहाँ लाउड स्पीकर से खड़े उतारेंगे। रणनीति अभी बनेगी और रणनीति इस तरह की बनेगी कि बहुत बड़ा एक मामला मूवमेंट इस मुजफ्फरनगर जनपद में होगा। 5 तारीख तो अलग चीज है, 5 सितंबर तो अभी एक दो दिन में ही बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला कार्यालय सर्कुलर रोड पर आहूत की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री के लोकदल में आने पर हर्ष व्यक्त किया गया। मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। पार्टी कार्यालय पर बैठक जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी व रालोद नेता कंवरपाल फौजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में जोश है। जिस प्रकार लगातार राष्ट्रीय लोकदल का कुनबा बढ़ रहा है, उससे पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की लहर है। ये हमारे पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी, वे भी परसों चौधरी साहब चौधरी जयंत चौधरी जी के पास गए थे, और उन्होंने पार्टी में आस्था जताते हुए पार्टी में काम करने के लिए कहा। चौधरी सोमपाल शास्त्री जो हमारे कृषि मंत्री रहे, उन्हें किसानों की बहुत ही जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, उन्हें हर तरह की जानकारी है, और किसान को किसान की आर्थिक स्थिति के बारे में, किसान की भौगोलिक स्थिति के बारे में,
उन्हें सभी समस्याओं का अनुज्ञान है और सोमपाल शास्त्री जी जैसे पार्टी में आए तो सभी पार्टी के सभी जनपदों में सभी पूरे प्रदेश में पार्टी में खुशी की लहर है। और सोमपाल शास्त्री ने कहा कि भाई मैं पार्टी में काफ़ी कार्य करूँगा, तो इसीलिए घोषणा की गई। जनपद गाजियाबाद के डासना मंदिर के प्रबंधक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमेशा मुस्लिमों के संबंध में अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, बुधवार को भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच जानसर तहसील में एक जमीन का बैनामा कराने पहुंचे। बुधवार को जनपद गाजियाबाद के डासना मंदिर के प्रबंधक यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज भारी पुलिस सिक्योरिटी के साथ जानसर तहसील मुख्यालय पर पहुंचे। वहीं उनकी सुरक्षा में LIU की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी तहसील के मुख्य गेट पर खड़ी नजर आई। आपको बताते चले कि डासना मंदिर के प्रबंधक यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना मंदिर के बाहर कुछ दिन पूर्व एक बोर्ड लगा दिया था, जिस पर लिखा था कि यहाँ मुस्लिमों का आना वर्जित है तथा इसके अलावा भी मुस्लिमों के संबंध में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के एक शिष्य द्वारा शुक्रताल में एक आश्रम बनाने का आग्रह किया गया था तथा जमीन की व्यवस्था कराई थी, जिसको लेकर उन्होंने शुक्रताल में 1750 वर्ग गज जमीन खरीदी है। उसका बैनामा कराने के लिए बुधवार को जानसर तहसील में सीमा एडवोकेट के यहाँ पर प्रदीप पाल बैनामा लेखक के यहाँ बैनामा लिखाया गया। इस दौरान उनके शिष्य अनिल यादव, डासना धाम शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर, सुशील प्रमुख आदि लोग मौजूद रहे। हमने जो है आश्रम के लिए एक छोटी सी जमीन हमें सब यहाँ के हमारे जो साथी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने खरीद के दी है, तो उसका बैनामा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सर, जैसे आप सुपरताल में कितनी जमा खरीद रहे हैं? अब देखिए, मुझे लगता है 2.25 बीघे जमीन इन्होंने खरीद के दी, मैंने खरीदी नहीं है, मुझे तो खरीद के दी है इन लोगों ने, मैं खरीदता नहीं हूँ, तो बाबा जी आ रही है। मुजफ्फरनगर के मेरठ बिजनौर रोड पर एक ट्रक व 407 की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 407 का चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए CHC जानसठ भिजवा दिया गया। हादसे के बाद मौके पर ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार प्रमोद पुत्र पवन थाना कुतुब शेर सहारनपुर, जो अपनी 407 से बिजनौर जा रहा था, जैसे ही गंगा बैराज के पास पहुंचा तो बिजनौर की ओर से आ रहे तेज गति से ट्रक ने सीधी 407 में टक्कर मार दी, जिसमें चालक प्रमोद घायल हो गया। अमरोहा के उजारी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर ने शेख दाऊद रहमतुल्ला अलैह के सालाना उर्स पर कुल शरीफ के मौके पर चादर चढ़ाई और मुल्क में अमन शांति और कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए दुआ की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि सहिष्णुता और सौहार्द ही भारत की संस्कृति और संस्कार है, इस ताकत को कोई भी नकारात्मक साजिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और उनसे जुड़ी मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व विविधता से भरे हमारे देश की अद्भुत धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और मजबूत बनाने में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। अमरोहा नगर के मोहल्ला दरबारे कला से सदर कोतवाली पुलिस इंस्टाग्राम पर फर्जी ID बनाकर लड़कियों के साथ अश्लील चैटिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी की अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद लड़कियों और महिलाओं से इंस्टाग्राम पर फर्जी ID बनाकर अश्लील चैटिंग करने वाले मोहल्ला दरबारे कला के रहने वाले एहसान नकवी नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाने की टीम के द्वारा और क्राइम ब्रांच के द्वारा एक अभियुक्त एहसान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अमरोहा नगर का रहने वाला है। यह इंस्टाग्राम पर फर्जी ID बनाकर लड़कियों को परेशान करता था, अश्लील चैट वायरल करने की धमकी देकर उनको ब्लैकमेल करता था। इसकी यहां शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर साइबर सेल के द्वारा काम किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।